जनपद हाथरस के चंदपा थाने के मुकदमा अपराध संख्या 136/20 जो कि 14 तारीख को 10:30 बजे धारा 307 और SC/ST के एक्ट के अंतर्गत कायम हुआ था, उसमें पीड़िता के भाई ने एक लिखित शिकायत दी थी जो उनके स्वयं के हस्ताक्षर में थी, उस पर उचित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था। इस संबंध में एक वीडियो भी आया है जो कि स्थानीय पत्रकार लोगों ने लिया था, जिसमें पीड़िता ने स्वयं और उसकी मां ने घटना का पूरा ब्यौरा दिया है। ये वीडियो आज सामने आया है और उस वीडियो में पीड़िता ने अपनी जीभ भी दिखाई है। तो जहां तक जीभ कटने की बात थी या काटने की बात थी, वो सरासर गलत थी। शव परिवारजनों के साथ लाके उसकी अंत्येष्टि कराई गई, जो दिल्ली के PM रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें कराई गईं और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। इसमें अब आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो प्रदेश में के सामाजिक सद्भाव और जातीय हिंसा भड़काना चाहते थे और जवाबदेह अधिकारियों के कहने के बावजूद अपनी तरीके से चीज़ों को मीडिया में गलत तथ्यों के आधार पर मोड़ना चाहते थे। मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ से मिली है उसमें चोटों के बारे में बताया है, लेकिन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो कहते हैं इसकी उन्होंने पुष्टि नहीं की है। इसकी पुष्टि के लिए वो FSL की जो रिपोर्ट होती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसका वो वेट कर रहे हैं। तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट जब आ जाएगी हम लोग उसको जल्दी से जल्दी मंगा लेंगे, उसके बाद उसे लिया जाएगा फैसला। जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें रेप की पुष्टि नहीं है, रेप जैसा कोई मसला, उसमें उन्होंने कोई फर्म ओपिनियन अभी नहीं दिया है। जी, तो क्या हम ये मानकर चले कि अलीगढ़ के मेडिकल या हॉस्पिटल रिपोर्ट के हिसाब से रेप की पुष्टि नहीं है? जी हाँ, अभी के हिसाब से डॉक्टरों ने यही कहा है कि बलात्कार की पुष्टि वो नहीं कर रहे हैं। वो तभी इसके बारे में फर्म ओपिनियन देंगे, पुष्ट राय देंगे, जब वो FSL की रिपोर्ट प्राप्त करके उन देख लेंगे। देखिए, कल SIT टीम जनपद में आ गई थी और SIT टीम ने गांव का भ्रमण किया, परिजनों से मिले थे और घटनास्थल भी देखा था। आज भी SIT टीम अभी गांव में ही है और परिजनों से मिल रहे हैं और वो अपने आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।